नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट पर आज ये चर्चा होगी। वहीं शाम 4 बजे पीएम मोदी सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी, जिसमें वो सीएम भूपेश बघेल से जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसके लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 4 बजे पीएम मोदी सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। कोरोना पर प्रहार के लिए देश में टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। देश में सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होना है, जिससे पहले बिलासपुर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और पहले चरण के वैक्सीनेशन की फाइनल लिस्ट तैयार कर शासन को सौंप दी गई है। बिलासपुर में पहले चरण में करीब 18,000 कर्मियों को वैक्सीन लगेगी, जिसमें डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स शामिल रहेंगे। सभी को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए 55 केंद्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें करीब 550 कर्मचारी वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होंगे। जिनको वैक्सीन लगनी है, उन्हें मैसेज के जरिए वैक्सीन लगाने की तारीख, जगह और समय की जानकारी भी दे दी जाएगी। और वैक्सीन शुरुआत होगी तो और सेंटर तैयार किए जाएंगे। हमारे 55 सेंटर हमने बनाया है टोटल करके, और वैक्सीनेशन आने के ऊपर डिपेंड करता भी उसके ऊपर क्या क्या करना है। और हमने प्राइवेट जो छूट गए हैं उनसे भी उनके नाम मंगवाए हैं, ताकि उनका भी नाम जुड़ जाए और ताकि कोई छूटे ना। जब वैक्सीनेशन आ जाएगा तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो सेंटर पे आ जाए, वहाँ जाके आपको लगाना है करके, ऐसा सब बताया जाएगा। जो सिस्टमेटिक है सिस्टम में कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर सौगातों का पिटारा खोला और इस बार बीजापुर की जनता को इसका लाभ मिला। जिलेवासियों को सीएम ने करीब 328 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण भी किया। महादेव तालाब, लोहा डोंगरी पार्क और गौठान का भी सीएम ने जायजा लिया। सीएम भूपेश बघेल के साथ इस दौरान प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 328 करोड़ 49 लाख रुपए के लागत से 126 कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन, जिसमें से 241 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 86 करोड़ 74 लाख रुपए लागत के 54 कार्यों का लोकार्पण। हमारे बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल अवसर की, वो सारे अवसर हम प्रदान करेंगे। आपने देखा पिछले सरकार में जहां सैकड़ों स्कूल बंद हो गए थे, हमारी सरकार आने के बाद वो जो बंद पड़े स्कूल में से 56 स्कूल फिर से आपके बीजापुर में शुरू की गई। मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने शुरू किया। हजारों लोग जो लगातार उस बीमारी से ग्रसित रहते थे, उसमें भारी कमी आई। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की बस्तर से। हम मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है
कि इस साल एक ही साल में 77,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आए, सुपोषित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिन के नारायणपुर दौरे पर थे। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की, उनकी हर समस्याएं भी सुनी, साथ ही उन्होंने हर समस्या का समाधान करने को भी कहा। इस दौरान सीएम का अलग अंदाज भी देखने को मिला। सीएम को मलखम का लुत्फ उठाते देखा गया। इसके बाद सीएम अभुजमाड़िया झाड़ू केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। खिलाड़ी निरंतर अभ्यास के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में विवाद हो रहे हैं। बिलासपुर का विवाद तो इतना बड़ा कि इसने कांग्रेस की इन नियुक्तियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले में किरकिरी होते देख कांग्रेस ने ही इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की है। यानी कांग्रेस मैसेज दे रही है कि घर की लड़ाई घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, उस पर हमला करने का विपक्ष को मौका ना मिले। जरा इस तस्वीर को देखिए। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए तैयब हुसैन का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें शपथ दिला रहे हैं। तस्वीर इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि एक दिन पहले ही दोनों पीसीसी की जांच कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। दोनों के बीच 4 तारीख को ऐसा विवाद हुआ था कि पीसीसी को जांच कमेटी बनानी पड़ी थी। मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा, पार्टी की भी किरकिरी हुई। इसे देखते हुए ही बिलासपुर के ही पार्टी नेताओं ने मामले को सुलझाने की कोशिश की और मौका शपथ ग्रहण समारोह में मिला। जैसे ही विधायक ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को माला पहनाई, कांग्रेस नेताओं ने इस दृश्य पर कसीदे पढ़ने में जरा भी देर नहीं की। अगर यही प्लान जिस दिन सीएम साहब आते, अगर यही प्लान उस दिन झलकता तो आज 500 लोग मौका नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद पार्टी नेताओं ने इसी कार्यक्रम में नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। किसी ने कहा घर की लड़ाई घर में रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। कोई बोला नेताओं के बीच मनभेद और मतभेद ना हो तो बेहतर है। वहीं इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे विधायक शैलेश पांडे ने विवाद का जिक्र नहीं किया, मगर अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ाया। जो चीज हम सब के मन में है कांग्रेस, तो कांग्रेस के छोड़ कोई भी बात मत करी, और अगर कुछ करना भी है तो बंद कमरे में जेन करना है तो सब कर लो। छत्तीसगढ़ के जनता जन है पूरी तरह संतुष्ट है, वो हमला ये हमारे मन के पूरा घर जवाबदारी है। हमला हर आदमी के बीच में जाना चाहिए। अगर छोटे मोटे यदि कोई समस्या है, यदि धान खरीदी में कोई समस्या है और किसी प्रकार के शासकीय योजना के लाभ में वाला समस्या है, वो में हमला डट के खड़े रहना चाहिए। सबको मिलकर एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना है, इसी में हमारी जीत है, यही हमारी शक्ति है। और इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ, आप सबको मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। एक तरह से कांग्रेस ने इस पूरे विवाद का पटाक्षेप सार्वजनिक रूप से करने की कोशिश की है, यानी कमेटी की रिपोर्ट से पहले ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को क्लीन चिट दे दी है, यानी अंत भला तो सब भला। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। नए साल में नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस महात्मा गांधी की शरण में जाने वाली है। बापू के सेवाग्राम वर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत 12 से 14 जनवरी तक कांग्रेस जन ट्रेनिंग लेगी, जहां प्रदेश कांग्रेस के 41 पदाधिकारी और सभी 36 संगठन जिलों के अध्यक्ष गांधी के विचार के साथ बूथ मैनेजमेंट के गुर सीखेंगे। संगठन के नेताओं को गांधी के विचारों से रूबरू कराने के लिए वर्धा में होने वाले इस प्रशिक्षण को काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ सभी पदाधिकारियों को देश और समाज हित में कांग्रेस के योगदान बताए जाएंगे, विघटनकारी शक्तियों से निपटने के तरीके भी यहां सिखाए जाएंगे और संगठन की गतिविधियों का संचालन भी सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर के पहले फेज में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 14 जनवरी को दिन भर शामिल रहेंगे। गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, ऐसी विचारधारा देश को जोड़ती है और ऐसी देश में ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का काम करती है। गांधी जी के दर्शन को समझने के लिए हम कल सुबह राजीव भवन से 7 बजे निकलेंगे। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे
फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हम 80 लोगों की टीम जा रही है और हम समझेंगे कि सचमुच में ऐसी विचारधारा जो देश को एक सूत्र में पिरो के देश को आज़ादी और देश के निर्माण नवनिर्माण में ऐसी विचारधारा आगे बढ़ी, उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग आंदोलन की राह पर हैं। धान खरीदी को लेकर बीजेपी जहां 13 जनवरी से प्रदेश स्तरीय एक सप्ताह का प्रदर्शन करने जा रही है, तो वहीं इसके जवाब में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। कांग्रेस तीन बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पहले आंदोलन के तहत एक पहेली धान और एक रुपया इकट्ठा करने की मुहिम चलाई गई है। दूसरे आंदोलन के तहत युवा कांग्रेस 12 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और तीसरे आंदोलन के तहत 15 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। उधर बीजेपी 13 जनवरी से 22 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो तीन काले कानून लाए हैं, जो किसानों के विरुद्ध है, उसको वापस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे कांग्रेस जन एक रुपया और एक पहली प्रति किसान के माध्यम से आज रायपुर जिले का मात्र एक जिले का 100 कुंटल से अधिक धान और 51,000 रुपया जमा हुआ है और सभी जिलों का आएगा, जमा होगा और हम वहाँ देश के किसानों को सहायता राशि हम भेजेंगे दिल्ली। सचमुच में कांग्रेसियों को किसान के पास पहुँचना है तो गाँव में पहुँचना चाहिए और जो जितने लोग दे रहे हैं वो सब कांग्रेस के से जुड़े लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, संपन्न लोग हैं और दूसरे कामों से जुड़े हुए लोग हैं। कुल मिला के ये दिखावा और नौटंकी करके ये बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। कोरबा में इन दिनों किसान धान खरीदी ना होने से परेशान नजर आ रहे हैं। भले ही केंद्र और राज्य इस पर आमने सामने हो, लेकिन हालत ये है कि धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं लचर है। यहाँ तक कि धान खरीदी का तय लक्ष्य भी बदल दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की धान आसानी से बिक सके इसलिए 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है और इसलिए जगह जगह पर धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन कोरबा के केंद्रों के हालात ये हैं कि धान खरीदी के लिए ना तो नए बारदाने हैं और ना कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि धान खरीदी के लिए फटे पुराने बोरियों को सिलकर इस्तेमाल किया जा रहा है और तो और अधिकारियों ने गलतियों को छुपाने के लिए धान खरीदी का लक्ष्य भी कम कर दिया है, जिससे किसानों की धान नहीं बिक पा रही है। के नियम जो बनाए हैं गवर्नमेंट है ना, कथे अलग और करते कुछ अलग। यहाँ पटवारी काटे बका दे और ओतिले कलेक्टर ला कम ले बका दे थे। ये आदेश आते कि कभी 600 कुंटल लेते रहे शुरू शुरू में, अब 300 कर दिस। तो किसान मन के जतका पंजीयन हो उतका है तो जाते नहीं है, तो कौन समय में ली? मार्च अप्रैल में थोड़ी ली, जब तिथि में नहीं लेते कम करवा दी। आज 300 क्या दे, कल ले 200 क्या दे, फिर लास्ट जनवरी जात ले 100 की नहीं रही। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कोरबा के इस धान खरीदी केंद्र में शुरुआत में 26,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब केंद्र में अचानक से धान खरीदी के लक्ष्य को 18,000 क्विंटल कर दिया गया है। ऐसे में धान खरीदी में कमी करने से किसानों को अपनी धान बेचने में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यहाँ का लक्ष्य तो पंजीयन के अनुसार 25,000 से ऊपर है, लेकिन अभी तक के 11,000 के आसपास आ चुका है। इनके अनुसार तो 25,000 का उन लोग दे चुके हैं उत्पादन प्रमाण पत्र, लेकिन अपने को विभाग तरफ से 18,000 खरीदना है करके बोले गए हैं। हम लोगों को क्या है, आदेश करेंगे तो खरीदी तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए उत्पादन दिया पटवारी, तो वो लोग तो बेचने के लिए ही उत्पादन बनवाए हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकारी मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं, इसलिए जब भी मुख्यमंत्री से धान खरीदी पर सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री सब सही होने का दावा करते नजर आते हैं। बारदाने की कमी नहीं हो रही है। देख, एक तरफ भारत सरकार से निश्चित रूप से हम लोग बारदाने कम मिली थी, इसलिए भी कोरोना काल के कारण जूट मिले बंद थी और उसके कारण से सप्लाई में निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग राइस मिलर से भी बारदाना ले रहे हैं, PDS जो दुकानदार हैं उससे बारदाना ले रहे हैं और प्लास्टिक बोरे के भी हम लोगों ने डिमांड की है, ऑर्डर दिया है और उसके साथ साथ जो किसान के पास जो बोरे हैं उसका भी उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से व्यवस्था सभी जगह सुचारू।
सच ये भी है कि बारदाने की कमी धान खरीदी की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम धान का उठाव भी नहीं कर रहा, जिससे धान अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं विपक्ष राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। साफ है कि सियासत में किसान ही पिस रहा है। सवाल यही है कि धान पर घमासान कब खत्म होगा। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। इधर दुर्ग पुलिस ने पीडीएस के चावल से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें करीब 250 क्विंटल चावल भरा हुआ था। पीडीएस का चावल धमदा से समोदा ले जाया जा रहा था। खास बात यह है कि ये चावल की तस्करी नीरज अग्रवाल के गोदाम से की जा रही थी, जिस पर पहले भी चावल की तस्करी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि पीडीएस का जो चावल है वो एक ट्रक में लोड होकर जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर हमारी टीम को तत्काल एक्टिवेट किया गया और रास्ते पर उसे रोका गया, और जब वहाँ पर उसने कोई कागजात उस तरह से नहीं दिखाया, उसे संदेह के आधार पर उसे नोटिस दी गई और फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया मौके पर, जिनके द्वारा जाँच करने के पश्चात वो पीडीएस का चावल होना उन्होंने बताया, जिस आधार पर इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3-7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। वहीं खबर दुर्ग से है, जहां पीडीएस चावल का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक जब्त किया गया। ट्रक में 4,82,000 का 250 क्विंटल चावल जब्त किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास कोई भी संबंधित दस्तावेज नहीं थे। धमदा रोड पर पुलिस की ये कार्रवाई हुई, जिसमें 4,82,000 का 250 क्विंटल चावल जब्त किया गया। गुजरात के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। उनको श्रद्धांजलि देने कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रतिनिधि बनकर अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम सोलंकी को श्रद्धांजलि दी। During his distinguished career as a union minister at the center and as a parliamentarian, Madhav जगदलपुर के तोकापाल ब्लॉक के तीतर गांव में रहने वाले किसान को खेत में जुताई के दौरान 2 किलो चांदी के सिक्के मिले हैं। अचानक मिले सिक्कों को लेकर किसान ने शुरू में इसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में परिवार के सदस्यों से बातचीत कर सिक्के तहसीलदार को सौंप दिए। जानकारी के मुताबिक घाट धनोरा पंचायत के तीतर गांव में रहने वाले किसान हरि सिंह 2 दिन पहले खेती की जुताई ट्रैक्टर से कर रहा था। अचानक जुताई के दौरान उसे उसके खेत में एक बर्तन में रखा चांदी का सिक्का मिला। पहले तो घर वाले इसे देवी प्रकोप मानते हुए इस बर्तन को नहीं छू रहे थे, लेकिन बाद में गाँव वालों के कहने पर इसे दूरे से एक पत्थर की सहायता से तोड़ा तो उसमें चांदी के सिक्के निकले। वहीं तहसीलदार ने बताया कि सिक्के पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, जिसके चलते सिक्के मुगल काल के लग रहे हैं। सोमवार को इन सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में उद्योगों पर 1.5 अरब रुपए वाटर टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली में अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। जिंदल स्टील, इंस एनर्जी, एमएसपी स्टील जैसी बड़ी कंपनी भी टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कई कंपनियों के मामले कोर्ट में हैं। वैसे सभी को टैक्स जमा करने नोटिस दिया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर तक 44 उद्योग ऐसे रहे जिन्होंने पानी लेने का एग्रीमेंट किया, हालांकि 7 उद्योग उनमें से बंद हो चुके हैं। लगभग 10-12 उद्योग ऐसे जिनसे अनुबंध बाकी है, तो उसमें कुछ उनके रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, कुछ जैसे बंद करने की स्थिति में या फिर प्रॉफिट में नहीं है तो वो लोग कुछ विचार में है, लेकिन जो जलकर बकाया जितनी भी कंपनीज का है वो वसूला जाएगा, और इसके लिए हम लोग अभी प्राइमरीली स्वयं जाके उनको समझाइश दे रहे हैं और नोटिसेस दे रहे हैं, और अगर वक्त पड़ा तो हम इसमें माननीय कलेक्टर महोदय की भी मदद लेंगे, प्रशासन की महोदय मदद इसमें लेंगे। इधर बालोद के दल्ली राजहरा फॉरेस्ट रेंज में 15 दिनों से 18 हाथियों के दल ने डेरा जमा रखा है। यहां के पुत्तरवाही गांव में हाथी घर और खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वन विभाग का कहना है कि इन हाथियों के झुंड में एक छोटा बच्चा भी है, जिस वजह से ये दल यहाँ से दूर नहीं जा पा रहा है। हाथियों का दल सुबह 10 से 12 किलोमीटर दूर खाना पानी की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन फिर शाम को वापस उत्तरवाही के जंगलों में आ जाते हैं। फिलहाल आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगभग 15 दिन से पूरे 18 हाथियों का दल एक ही जगह में है, खरी टोला पुत्तरवाही गांव के जंगल में ही है। वो सुरक्षित जगह है, बहुत कहीं किसी का डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए उधर कहीं आसपास तो भटक नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, किसी का एक आध दो एकड़ खेत में कुछ चरने चले जाते हैं, रात में घूम फिर के वापस आ जाते हैं। बड़ा जानवर है, उनको 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रोज़ रात में। बड़ा जानवर है तो एक जगह नहीं बैठ सकता, वो कम से कम 10-12 किलोमीटर रोज़ रात में घूमने निकलते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ बाड़ी अगर रास्ते में मिल गई तो अंदर घुस जाते हैं, नहीं था वो अपना जंगल में जो मिल रहा वही खा रहे हैं। अभी बीच में धोबनी के पास कुछ हाथी सुबह 6:30 बजे तक रुक गए थे, तो पब्लिक कुछ लड़के वड़के लोग देखे तो कुछ कुत्ते उत्ते लोग पहुंच गए थे वहां पे, वही लोग छेड़ रहे थे, फिर बाद में वो हाथी अपने दल से मिल गए थे वो लोग। वहीं खबर सूरजपुर से है, जहाँ एक हाथी ने एक युवक को कुचल दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के केवरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां हाथियों के आतंक के चलते एक बार फिर एक युवक की हत्या हो। तो हाथी ने एक युवक को कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लगातार हाथियों का आतंक शहर में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक और मौत सामने आई है। वहीं वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के केवरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं खबर बीजापुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां उन्होंने लोहा डोंगरी में मंत्रियों के साथ वॉलीबॉल मैच खेला। वॉलीबॉल मैच मैदान पर भूपेश बघेल ने खेला और जोश दिखा। तो सीएम भूपेश बघेल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां वॉलीबॉल मैदान पर भूपेश बघेल ने जोश दिखाते हुए मंत्रियों के साथ वॉलीबॉल मैच खेला। लंबा देव लंबा देव लंबा कमिश्नर साहब।